प्राइम इटालिया चैनल तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हाँ अज्ज दीआं कुछ खास न्यूज़ लै के। इस तो पहलां कि आपां अज्ज दी वीडियो शुरू करिए, जेकर तुसीं चैनल ते पहली बार आए हो जां पहली बार विजिट कर रहे हो तां प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर लवो। तो जिन्हां ने चैनल नूं पहलां ही सबसक्राइब किया है उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो की नोटिफिकेशन लई बैल आइकॉन दा बटन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि इस दे नाल जदों भी असीं नवीं वीडियो अपलोड करांगे उहदी नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच जाएगी। तो हुण आपां शुरू करदे हां अज्ज दीआं कुछ खास न्यूज़। सब तो पहला आप देखते हैं इटली दे विच पिछले 24 घंटे के दौरान किन्ने केसिज आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1612 केसिज से 37 डैथ हुई हैं। इस तो बाद अगली न्यूज़ आ रही है कि यूरोप के विच मेडिसन्स दी निगरानी रखने वाली संस्था एमए, जिसनों यूरोपियन मेडिकल एजेंसी कहा जाता है, तो इस दे द्वारा 18 साल के इस तो उपर के सारे लोगों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की बूस्टर की खुराक की मंजूरी दे दी है। इस दे नाल लोगों को कोरोना तो ज़्यादा सुरक्षा मिल सकेगी। इतने तुहानू दस दिए कि इस तो पहला यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कमजोर इम्यून के लोगों लिए मोडर्ना और फाइजर दिया होर जिहड़ियां डोजेस हैगियां उस दे लिए भी मंजूरी दित्ती सी। ते एमा ने यह भी दस्या है कि फाइजर की यह बूस्टर जिहड़ी खुराक हैगी 18 ते इस तो बाद दे उपर दे लोगों नू कोरोना दे टीके की दूजी खुराक के 6 महीने बाद लगवाई जाएगी। यानी कि 18 तो लैके 55 साल की उम्र वाले लोगों के लिए ये जी है डोजेस शुरू की जाएगी। तो इस लगवाउन का फैसला देश के जोड़े सेहत विभाग है उन्होंने वालों लिता जाएगा। तो इस एजेंसी ने यह भी दसिया है कि जो भी डाटा कलैक्ट किया है वो मुताबक बूस्टर खुराक लगाने तो बाद लोगों के एंटीबॉडी जोड़े जिविच काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने मिले है। तो यह भी बयान किया जाता है कि इन डोजेज़ को लगवाने तो बाद हुण तक किसी दे विच भी कोई खास नुकसान देखने नहीं मिले है, जो मिले भी है वह भी काफ़ी घट हैं। इसलिए इस संस्था ने कमजोर इम्यून वाले लोगों के लिए इस बूस्टर खुराक को परमिशन दे दी है। इस तो बाद अगली न्यूज़ जी आ रही है वो सर्दिनिया तो आ रही है। दक्षिणी सर्दिनिया के एक नगर पालिका के विच द्वारा लॉकडाउन लगन जा रहा है। तो ये जो एरिया हैगा ये हैगा आ बिलामा सर्गिया, इस दे विच 3500 तो भी घट बसनीक हैं। तो इस एरिए दे विच कुछ केसिस जिहड़े हैगे इन्फेक्शन दे आ रहे हैं। तो इस तो बाद उत्थे दे जिहड़े मेयर हैगे उन्होंने फैसला लिता है कि इत्थे थोड़े दिनों दे लई घट्टो घट 10 दिन दे लई लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो इस दे विच तुसीं सिर्फ मास्क ते जिहड़ा ऑटो सर्टिफिकेट हुंदा है उस दे नाल ही घरों तो बाहर जा सकते हो। तो अगले दिन रात 10 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक का करफ्यू भी शुरू किया जा सकता है। इस तो बाद अगली न्यूज़ आ रही है कि इटली और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर से अज 5 अक्तूबर को अज सवेरे भूचाल का दर्ज किया गया है। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड वोलनकोलॉजी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 3.9 तीव्रता का भूचाल स्विट्जरलैंड 7:39 से अज दर्ज किया गया है। तो औसतों भी यह इसके झटके महसूस किए गए हैं। तो इस अलावा भूचाल के झटके अज सवेरे इटली के औस्ता घाटी के अलावा प्योमंती के कुछ इलाकों के भी महसूस किए गए हैं। फिलहाल इस दे विच कोई किसी भी जान माल का नुकसान नहीं है। तो भूचाल तो बाद जिहड़ियां उत्थे दियां ट्रेनस वगैरह हैगियां ट्रांसपोर्ट हैगा उसनों थोड़े टाइम लिए सस्पेंड कर दिता गया सी। इस तो बाद अगली न्यूज़ आ रही है कि इटली के खराब मौसम की लहर करके इटली के उत्तर तो दक्षण तक हाले जिहड़ा जारी है, जिथे कुछ घंटिया पहला ही बहुत मीह और तूफान के नाल बहुत सारे खेतरों के काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। तो इस लगूरिया जिहड़ा हैगा उस विच सब तो ज़्यादा मतलब कि नुकसान देखा गया है। तो अज जिहड़ा सिचिलिया के भी मीह पैण की उम्मीद है। पियेमोंते लगूरिया और लोंबार्डिया के भी अलर्ट जारी किया गया है। इस तो बाद अगली न्यूज़ आ रही है कि जो संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट एक बार फिर दुनिया के सब तो शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। दुनिया के यूएई का पासपोर्ट नूं पहला स्थान दिता गया है, जो 152 देशों के प्रवेश की इजाजत दिता है। इस तो अलावा 98 देशों देश वीज़ा मुक्त जिहड़े कि वीज़ा फ्री प्रवेश का प्रस्ताव देंदे हैं। 54 देश जिहड़े हैगे आ वीज़ा ऑन अराइवल देंदे हैं। 46 देश जिहड़े हैगे आ प्रवेश तो पहला वीज़े की जिन्हां दे विच जाण दे लई जरूरत हुंदी है। तो इन यूएई एक इदा का देश है जिहड़ा 152 देशों के अपनी एंट्री करन की इजाजत दिता है। तो जेकर आप गल करिए ग्लोबल रैंकिंग की तो यूएई का पासपोर्ट दुनिया के सब तो शक्तिशाली पासपोर्ट मने गया है। तो उत्थे ही जिहड़ा भारतीय पासपोर्ट इंडिया का पासपोर्ट है उसनों 72वां स्थान हासिल होया है। इस तो बाद अगली न्यूज़ आ रही है सिंगापुर तो। सिंगापुर के एक भारतीय मूल की एक बेबी को कोविड-19 नियमों का पालन ना करन करके मंगलवार को 13 दिन की जेल की सज़ा सुनाई गई है।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਰੀਬ 1400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੌਰਥਵੈਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨੌਰਥਵੈਲ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 76,000 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ 80% ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ $7 ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।